बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इसमें भी कुछ समर कलेक्शन ही है, कुछ डिफरेंट भी हैं। तो चलिए आज की वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दें और आगे शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सूट जो है हमारा, ये कुछ पीची सा कलर है, लेकिन ये पीच इतना क्लियर इसमें आ नहीं रहा है कैमरे में। ये थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा डार्क कलर है, पीच थोड़ा सा डार्क पीच है ये। और ये क्रोशिया का ये सूट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका दुपट्टा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी। और ये इसकी शर्ट है, ये क्रोशिया की शर्ट है पूरी। ये क्रोशिया कलेक्शन है अभी मेरे पास, ये क्रोशिया की शर्ट है, पूरी पे लेस लगी हुई है। और ये इसके दामन पे भी लेस है, ये देखिए दामन पे भी लेस है ये, ठीक है। ये दूसरा जो है, ये थोड़ा सा शरबती सा कलर है, कुछ शरबती मतलब के जैसे गोसा वगैरह जैसे नहीं होता दूध में जब डाल देते हैं तो टाइप वो कलर ही, बहुत लाइट आ रहा है इसमें, इतना लाइट है नहीं ये। ये क्रोशिया, इसमें भी क्रोशिया का सूट है, ये क्रोशिया का काम है पूरा, बीच में हैंड एम्ब्रॉयडरी है पूरी, ये पूरी हैंड एम्ब्रॉयडरी है चारों पे। और ये पैचेस भी दिए हैं, क्रोशिया के पैचेस भी हैं, ये देखें आप, ये क्रोशिया के पैचेस हैं। और नीचे भी जो है इसके, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये नीचे भी इसके दामन पे भी क्रोशिया की बेल है, क्रोशिया के पैचेस हैं, क्रोशिया की पूरी बेल एम्ब्रॉयडरी की हुई है और ये पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और इसके साथ इसकी स्लीव्स हैं, ये इसकी स्लीव्स हैं, और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे भी पूरे एम्ब्रॉयडरी है। दूसरा जो है, ये थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर है इसमें, ये भी मेरे ख्याल से ये कलर इतना सही नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में, लाइट का थोड़ा सा इशू है। इस पर भी ये क्रोशिया का काम है, ये पैच है यहाँ पे, फ्रंट पे पैच है, एक पैच फ्रंट पे है, तीन पैच सामने हैं, नीचे दामन के पास, और दामन में एक बेल लगी हुई है। ये देखिए करीब से मैं दिखा रही हूँ एम्ब्रॉयडरी, ये बीच में इसके फ्रेंच नॉट की एम्ब्रॉयडरी है पूरी, और ये पैच है, ये गले के पास आएगा तकरीबन, ये पूरी में एम्ब्रॉयडरी भरी हुई है, ये पूरे में एम्ब्रॉयडरी है इसकी, ये पूरी शर्ट है, फ्रंट पूरा भरा हुआ है, बैक पे भी पीछे, हाँ पीछे बैक पे भी बंच है, बैक पे भी बंच आएगा। अच्छा, ये इसका जो है, ये दुपट्टा है इसका, दुपट्टा है इसका, इस पर भी दोनों तरफ है, बीच में बूटियां हैं, दोनों तरफ बॉर्डर पे जो है बड़े बड़े फूल बने हुए हैं। और ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स इस तरह से आएंगी, ये देखिए ये स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी भी देख लें, थोड़ा सा जितना नज़र आ रहा है थोड़ा सा डार्क शेड है ये, इतना क्लियर नहीं है। अच्छा, ये जो तीसरा चौथा सूट है, ये कुछ मेहंदी सा कलर है, ये मेहंदी सा कलर है, इस पर भी, ये भी क्रोशिया है, क्रोशिया वर्क पूरे में है, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी है और क्रोशिया वर्क भी है। और ये पैचेस भी हैं इसके लास्ट में, नीचे दामन पे राउंड में पैचेस दिए हुए हैं क्रोशिया के, विथ फ्रेंच नॉट की एम्ब्रॉयडरी है, बहुत काम है इसमें, काफ़ी भरा हुआ सूखा मेहंदी सा कलर है मेरे ख्याल, ये भी, हाँ ये तो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है इसमें। और नीचे जो है क्रोशिया की बेल है, ये फ्रंट है इसका, ये बैक में भी इसके बंच है, ये बैक का बंच देख लें, ये बैक का बंच आ रहा है ना इस तरह से नजर, ठीक। और ये स्लीव्स हैं इसकी, ये स्लीव्स हैं क्रोशिया के साथ, ये भी इस पर भी दोनों तरफ बंच हैं,
और ये दुपट्टा है इसका, ये दुपट्टा है। इसको मैं खोल के भी तो दिखा देती हूँ, ये देख लें पूरा दुपट्टा है, ये दुपट्टा है पूरा, पूरे में फूल वाले में है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ चादरें हैं, ये रमज़ान के और के हवाले से कुछ जैसे होता है चादरें या दुपट्टा जिसको कहना कह सकते हैं, हम दुपट्टे के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। ये लोन की चादरें हैं, बहुत हल्की बहुत नफीस, इन पे कच्चे बूर का काम है। ये वाइट पे लाइट पिंक, बिल्कुल बेबी पिंक जो कहलाता है ना, बेबी पिंक से एम्ब्रॉयडरी है, पूरे पे फुल एम्ब्रॉयडरी है। पता नहीं आपको नज़र आ रही है पूरी क्लियर कि नहीं, ये देखें दिखा देती हूँ ऐसे रख के, ये फुल एम्ब्रॉयडरी है, लाइट पिंक सा कलर है, बेबी पिंक सा वाइट के ऊपर, बिल्कुल लोन की चादर है, बहुत हल्का कपड़ा है, बहुत फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका, देख लें। और ये जो है वाइट पे वही चीज़ है, वाइट पे पीच कलर है, पीच से भी हल्का कलर जो होता है ना, ये वो कलर है वाइट के ऊपर, ये देखिए फुल चादर है, ये भी चादर है, आप दुपट्टे के तौर पे भी पहन सकते हैं इसको। इसके ऊपर ये वाइट के ऊपर वाइट है, ये बहुत ही डिसेंट सा काम है, वाइट पे वाइट वही सेम काम है कलर्स का, वाइट के ऊपर वाइट है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, पूरा पूरा काम भरा हुआ है इस पर, पूरे दुपट्टे पे काम है, सही। ये देखिए करीब से भी दिखा दूँ, कच्चे बूर का काम है पूरे पे, इसके बाद ये चीज़ें सेम मल्टी कलर में है, ये वाइट के ऊपर मल्टी कलर में है, कच्चे बूर का काम है, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, पिंक है, रेड है और ग्रीन है, लाइट से कलर है, सारे लाइट कलर हैं, बहुत खूबसूरत और नफीस काम है। ये देखें फुल चादर में दिखा देती हूँ, फुल चादर है ये, चादर या दुपट्टा जो जिस उसमें भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पूरा अरज है इसका, इसकी चौड़ाई भी देख लें, चौड़ाई भी 1.25 गज़ की है, पूरा तकरीबन 1.25-2.5 गज़ का अरज है इसका लंबा, नमाज वगैरह के लिए अच्छे होते हैं ना। अच्छा, अभी कुर्ती कलेक्शन है कुछ मेरे पास, मैं आपको कुर्तियाँ दिखा देती हूँ। मैंने कुर्तियाँ कुछ मंगवाई थी, फरमाइशें आ रही थी, कुछ ऑर्डर्स आ रहे थे। ये पहली कुर्ती है, ये देख लें वाइट पे मल्टी। अच्छा, इसकी मैं आपको बता दूँ, इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन सबकी जो है, काफ़ी सारी हैं तो सबकी लेंथ तकरीबन 35 से लेकर 40 तक की लेंथ है इनकी। ये देखने में दिखा दी तुम आपको, ये 37 आ रही है, बाकी की 40 तक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 18 यहाँ से जो इसकी जाती है ना, ये विड्थ जो आएगी तकरीबन 18-20 है, ये किसी की 18 है किसी की 20 है, ये आप देख लें, दिखा दूँ, ये तकरीबन 19 की आ रही है, ये तकरीबन 19-20 के दरमियान है, ठीक है। इसी में ये दूसरा कलर, दूसरे कलर के साथ है, मल्टी कलर की ये भी एम्ब्रॉयडरी है, क्या कहते हैं, बलोची एम्ब्रॉयडरी है, ये ग्रीन है और थोड़ा सा पिंक और येलो मिक्स है, ऑरेंज है, इसलिए भी सेम तकरीबन वही है, इसमें कलर का फ़र्क है। बहुत फाइन कपड़ा है इसका, फैब्रिक बहुत अच्छा है, ब्लू रेड और येलो में है, ये जो है वाइट रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है, वाइट के ऊपर ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है, ये तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, वाइट के ऊपर ये सिंधी कढ़ाई है, ये छोटे छोटे मिरर वर्क भी हैं, मिरर वर्क भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसके दामन पे भी बहुत खूबसूरत है, देखें दामन भी देखना दामन, ठीक है ना। इसके बाद ये वाइट के ऊपर पिंक है,
स्क्वायर्स बने हुए हैं। ये शेडो वर्क की कढ़ाई है, इस पर पूरा शेडो वर्क है, बहुत ही नफीस और फैब्रिक अच्छा है, बहुत एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी है। ये करीब से देख लें, तीसरा पिंक के साथ ही कैरी है, वाइट के ऊपर पिंक है ये, लेकिन इस पर कैरियाँ सी बनी हुई हैं, ये भी शेडो वर्क है। उसके बाद ये जो है ये वाइट के ऊपर ये क्या कहते हैं बलोची कढ़ाई है, ये फुलकारी टाइप और कुछ बलोची कढ़ाई है, मिरर वर्क भी है इसमें, देख रहे होंगे आप। और ये दामन पे भी अच्छा खासा ये अच्छा हेवी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये फिर है वाइट के ऊपर ग्रीन और ब्लू से, ठीक फिर ये जो है ये वाइट के ऊपर, ये बल्कि थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है ये, ये बहुत ही बारीक और नफीस सा काम है, कच्चे का काम है ये भी, येलो और रेड से काम है ये। गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है, ये ठंडक का एहसास हो रहा है। ये ऑफ वाइट पे ये पर्पल है, पर्पल सा कलर है, लाइट पर्पल सा। ये देख लें दोबारा से, और उस पर वो मिरर वर्क भी है, छोटे छोटे मिरर्स भी बने हुए मिरर वर्क है। और ये लास्ट जो है ये मल्टी कलर में है, वाइट के ऊपर ये भी बहुत हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है, पूरे में भरे हुए हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी है सारी, जितनी भी अभी तक दिखाई सब हैंड एम्ब्रॉयडरी है, और ये मिरर वर्क भी है इसमें। अगेन शॉर्ट आउट फॉर मुनज़्ज़ा मोहम्मद के, आप देख लें, आपके लिए आपका ऑर्डर आ गया है, उसका क्रोशे की आपने फरमाइश की थी आपके लिए आ गया है, पसंद आ जाएगा आपको, आप ऑर्डर कर दीजिएगा, इनमें से कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। ओके जी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।